जनता को दिखाया झूठा सपना। कुछ ऐसे आरोपों के घेरे में है दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार। आरटीआई यानी सूचना अधिकार से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने मकान के लिए फॉर्म बेच डाले जबकि जमीन का कहीं पता भी नहीं था। लोकायुक्त ने इस मामले पर दिल्ली सरकार को अब नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, दिल्ली सरकार पर ये कहावत 100% सही साबित हो रही है। चुनाव से पहले दिल्ली सरकार ने ऐलान किया था कि राजीव रत्न आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 60,000 मकान तैयार है और कोई भी 100 रुपए का फॉर्म भरकर इसे हासिल कर सकता है। 2,77,000 से ज्यादा लोगों ने इसके लिए आवेदन भी कर दिया लेकिन फ्लैट किसी एक को भी नहीं मिला। जब आरटीआई एक्ट के तहत इस आवास योजना की जानकारी मांगी गई तो पता चला कि फ्लैट बनाना तो बहुत दूर, इसके लिए जमीन का भी अधिग्रहण नहीं मिला है। आपने लैंड अक्वायर नहीं की और आप कहते हैं आपने 60,000 फ्लैट बना दिए और वो भी ठीक इलेक्शन से पहले ताकि पब्लिक आपको वोट दे, आप जीते। शिकायत दर्ज कराने के बाद लोकायुक्त ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके इस पर जवाब मांगा है। इस मामले में सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लोकायुक्त से एक के बाद एक मिले नोटिस के बाद शीला दीक्षित आरोपों के घेरे में तो हैं, लेकिन ये देखना उससे भी ज्यादा दिलचस्प होगा कि 16 दिसंबर को इस मामले में वो अपने जवाब से लोकायुक्त को संतुष्ट कर पाती हैं या नहीं। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ पूनम शर्मा, दिल्ली आज तक।